फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए जहां से हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चार दिन से वीडियो मेरा नहीं आ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, अब वीडियो कंटिन्यू आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1852, 1856, 1858, 1860। तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा 1858, यानी कि कंपनी का जो रूल होता है वह समाप्त हो जाता है और 1858 में ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन का रूल शुरू होता है। तो 1858 इज द राइट आंसर होगा इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो 1896 का अधिवेशन जो है वह किसके लिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय तिरंगा लहराया गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पहली बार 1896 अधिवेशन में जो था पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर चार्ल्स मेटकॉफ को जो है ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और इसका शासनकाल जो रहता है वो 1835 ईस्वी से यानी 1836 ईस्वी के बीच रहता है, यानी एक साल के आसपास रहता है। यह भारत के गवर्नर जनरल थे और इन्हें प्रेस को जो है उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता दी, इसीलिए इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कर्ताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो कर्ताज जो है एक शासन व्यवस्था था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? डच द्वारा, फ्रांसीसी द्वारा, अंग्रेज द्वारा, पुर्तगाली द्वारा। तो कर्ताज एक व्यवस्था था जो कि पुर्तगाली द्वारा शुरू किया गया था। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कर्ताज व्यवस्था का संबंध जो है पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। तो कर्ताज व्यवस्था जो है पुर्तगाली ने जारी किया था एक तरह के लाइसेंस, व्यापार लाइसेंस। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी इसे नेवी सट नामक व्यवस्था शुरू की थी। तो यह जारी किसने किया था व्यवस्था लागू, तो यह क्या था, पुर्तगाली। राइट आंसर डी हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको चुनना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, ये तो सही बात है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की, ये बात गलत है क्योंकि साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना मिलकर के इन्होंने नहीं किया था। तो डी इसका जो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो डी यहां पर हो जाएगा हमारा सही है जवाब। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मृत्युदंड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है सर नाइटहुड की उपाधि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पे हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के राजधानी अमृतसर में हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916 जो है मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए जाना जाता है। और इसी में गरम दल और नरम दल जो है दोनों इसी अधिवेशन में आपस में मिल गए थे। 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी, इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धारों ने गर्म दल नरम दल को बर्ताव के लिए एक मंच पर लाया गया था और उसके अंबिका प्रसाद मजमूदार जो है इस कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो इससे जुड़ी हुई हमने बातें बताई।
भारत में पहली बार यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? कोच्चि, चिंसुरा, सूरत, चेन्नई। तो पहली बस्ती जो है यूरोपीय बस्ती स्थापित की गई थी वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोच्चि। तो कोच्चि में स्थापित किया गया था, केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि पोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है, यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पे कोच्चि इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोलकुंडा। और मैं बता दूं कि 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का यह सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था 1632 ईस्वी में। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो शासन काल रहा है यह 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सलसेत और ब्रेज पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया था। तो सलवाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से जुड़ा हुआ है। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? मीर कासिम, सादत अली खान, द्वितीय अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम, क्योंकि सिराजुद्दौला जो था वो प्लासी के युद्ध से संबंधित था। यहाँ पे बक्सर की लड़ाई पूछ रहा है तो उसमें से आ जाएगा मीर कासिम। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच, सेडलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, रेले आयोग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वुड डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिट्टन ए, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है यह पारित किया गया था लॉर्ड लिट्टन के द्वारा पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसकी जो है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। तो मैं बताऊं लॉर्ड मेयो की हत्या जो अंडमान में कर दिया गया था ये कैदियों के द्वारा जब ये मॉर्निंग वॉक पर थे। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किसके लिए किया गया था? आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में शिक्षा सुधार के लिए किया गया था लॉर्ड रिपन, यानी ने हंटर आयोग की स्थापना किया था। भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पे आ जाएगा राइट आंसर लॉर्ड कर्जन ने यह कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया था। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव, बाजीराव संभाजी। तो नाना फडणवीस को जो है मराठा मैकियावेली कहा जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा यानी बी में होगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे आंग्ल मराठा और आंग्ल मैसूर युद्ध में कंफ्यूजन है, तो बता दूं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिस श्रीरंगपट्टनम में की संधि, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अम्बेडकर के बीच हुआ था, यह पहला ही कथन असत्य है, क्योंकि पूना समझौता जो हुआ था वो महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, और बाकी तीन ऑप्शन सही है जिनको भी पढ़ लेना चाहिए। इसके तहत वंचित वर्ग में संयुक्त मतदाता समूह ने रहने का फैसला किया था, बात सही है। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई थी, ये भी सही है। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, ये सभी बातें सही है, पहला ऑप्शन गलत है। महाड़ यानी कि महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। महा सत्याग्रह जो है इसका जो है नेतृत्व किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? 1663, 1668, 1670, 1689 ईस्वी में। तो यह प्राप्त किया था 1668 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को जो है पुर्तगालियों से प्राप्त कर लिया था। गुलाम गिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ईश्वरचंद विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, दादू दयाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाम गिरी, ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? दी गई थी किस वर्ष? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1910, 1915, 1920, 1925। तो दिया गया था 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि दिया गया था, और इसको और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने यह उपाधि लौटा दिया था, यानी कि 13 अप्रैल 1919 के बाद उन्होंने यह नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजनी नायडू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेबी कृपलानी जो थे भारत के स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था कब बनाया गया? 1902, 1861, 1906, 1910। तो 1906 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थायी संस्था बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? 1941, 1942, 1943, 1945। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना जो किया था 1943 ईस्वी में किया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। बहुत आसान क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलिए या दांडी मार्च बोलिए या नमक सत्याग्रह बोलिए, तो आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी इज द राइट आंसर। किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। किसने भाग करके जेल से हिस्सा लिया था? राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, इज द राइट आंसर। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, निजामुद्दीन अली खान। तो राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर को बिठाया गया बक्सर की लड़ाई के बाद। स्वदेश बांधव की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्ता, बाघ जतिन, भावभूषण मित्रा, नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। तो स्वदेश बांधव की स्थापना जो है अश्विनी कुमार दत्ता ने किया था, ए इज द राइट आंसर। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलन बेरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। स्वराज ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह शब्द मराठी में लिखा हुआ है और किसने कहा है? मराठी में घोषणा किया था सर बाल गंगाधर तिलक ने। किस स्थान पर की थी? पुणे जेल में, यरवदा जेल में, कोर्ट में, मांडले जेल में। तो इसका राइट आंसर होगा यह जो है बात कही थी कोर्ट में, कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और इसे मैं लेकर के रहूंगा बाल गंगाधर तिलक ने। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो यहाँ पे याद रखिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कानपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, भागलपुर षड्यंत्र, अलीपुर बम केस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? भारत, सिंगापुर, जापान, जर्मनी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है यह किया गया था सिंगापुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। गुरुमुखी लिपि किस गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु हरि राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुरु अंगद के द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया गया था। बरिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? इंडियन ओपिनियन, जुगांतर, गदर, महारत्ता। तो यह जो है जुगांतर का संपादक थे, कौन थे? बरिंद्रनाथ घोष। 1946 के तेभागा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है?
तो 1946 का जो तिभागा आंदोलन आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल बिहार उड़ीसा, तो यह जो है तिभागा यानी यह पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में है? तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो है हेडक्वार्टर पूछ रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कलकत्ता, लाहौर, दिल्ली, कराची, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। ढाका में स्थित आसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? मुस्लिम लीग की स्थापना, पाकिस्तान प्रस्ताव, जिन्ना गांधी वार्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए यह प्रसिद्ध है, ढाका में स्थित आहसान मंजिल पैलेस। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? पी मित्रा, अनुशीलन समिति, इंडिया हाउस, जुगांतर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो पी मित्रा का जो है नाम जुड़ा हुआ है अनुशीलन समिति के साथ। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो, मधुसूदन दत्ता, मदन मोहन तारा कालंकर, सुरेंद्रनाथ टैगोर, तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना जो किया था वो किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने, ए इज द राइट आंसर। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मिर्जाफर, शुजाउद्दौला, तो बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब जो था वो तो सिराजुद्दौला ही था। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? बड़ौदा, अर्काट, कूर्ग, हैदराबाद, तो वह राज्य था बड़ौदा। बड़ौदा में जो है स्वतंत्रता से पहले ही यह जो है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य था। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किसके लिए जाना जाता है? भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया, तो मैं बता दूं कि भारत का जो है राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, इसलिए 1896 का अधिवेशन फेमस है। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है? जनगणमन, भारत भाग्य विधाता, भारत विधाता, तो भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक था जो 1896 में गाया गया था, तो उसका शीर्षक था भारत विधाता। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? वहां पे राष्ट्रगीत था, यहाँ पे राष्ट्रगान की बात हो रहा है। कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, और ईस्वी दिया 1911-12-13-14, तो राइट आंसर हो जाएगा 1911 कलकत्ता में गाया गया था भारत का राष्ट्रगान पहली बार, जनगणमन अधिनायक। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? प्लासी पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में प्लासी की लड़ाई हुआ था 1757 ईस्वी में, कहाँ पे है? तो बंगाल में। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? पटना, कलकत्ता, लखनऊ, चेन्नई, तो प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु जिसको हम हावड़ा ब्रिज कहते हैं उसका नाम है कलकत्ता में ही स्थित है, हावड़ा ब्रिज का ही नाम है विद्यासागर सेतु ब्रिज। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बहुत आसान क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो। यह 50 MCQ हमने कंप्लीट किया, आई होप आप लोगों को वीडियो आया होगा, लगा होगा अच्छा, तो आप लाइक करिए, शेयर किए, सब्सक्राइब किए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।